हाय फ्रेंड्स, आज हम आलू बैंगन की नई रेसिपी सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक बड़े से बैंगन लिया है और इसमें मैंने बीच से चीरा लगा दिया है और इसे हमें 4 से 5 लहसुन कलिए को छिलकर इसमें हमें कुश कर देना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब इसमें हम ऑयल लगाकर इसे गैस ऑन करके हमें चारों तरफ से इसे अच्छी तरह सेक लेना है। तो ये हमारा बैंगन पक चुका है और इसे ठंडा होने पर हल्का हम इसके छिलकों को उतार लेंगे। इस तरह पानी में डालकर ये आराम से उतर जाते छिलके। तो इस तरह आपको छिलके निकाल लेना है इसका। तो ये बिल्कुल नई रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और पूरे एंड तक वीडियो देखिए। तो अब इसमें हम मिक्सी में डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे, इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे। अब यहाँ मैंने 4 आलू लिए हैं, प्याज लिए हैं बारीक काटे हुए, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन कलिया और एक अदरक लिया है। अब यहाँ हम सरसों के ऑयल का इस्तेमाल करेंगे बनाने के लिए। तो ये हमारा ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें हम हींग का तड़का लगाएंगे, साथ में 2 तेज पत्ते, 1 सूखी लाल मिर्च, मेथी दाने और जीरा का फूरन लगाएंगे। अब इसमें हम बारीक कटे हुए लहसुन के कलिया डाल देंगे, बारीक कटे प्याज, तो मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप कर लिया है और इसे हमें हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। अब इसमें हम अपने अदरक को मैंने यहाँ ग्रेट कर दिया है, आप चाहे तो बारीक काट सकते हैं। और इसमें हम नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे और इसे हमें 2 मिनट भूनना है। अब इसमें सूखे मसाला ऐड करेंगे, हमारे लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर 2 चम्मच और धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसमें हम बारीक कटे टमाटर ऐड करेंगे। अब इसे हम 2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम हल्का सा पानी ऐड कर देंगे और इसे 5 मिनट अब ढक कर पकने दें जब तक कि ये टमाटर गल ना जाए। तो देखिए हमारा टमाटर गल गया है और साइड से ऑयल भी छोड़ रहा है। तो ये अब हम अपने बॉयल्ड आलू को इसमें डाल देंगे। तो ये इसे हमें मिक्स कर लेना अच्छे से। अब इसमें हम अपने बैगन के पेस्ट, जिसे मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके रखा था, इसे हम ऐड कर देंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो मैंने उसी कटोरी में थोड़ी सी पानी ऐड कर दी है और इसमें हम ऐड कर देंगे। इसे हमें अच्छे से चलाते हुए इसे मिक्स कर लेना है और इसे हम 5 मिनट तक मिक्स पकने देंगे। इसमें हमने कसूरी मेथी ऐड कर दी है। इस तरह हमें इसे ढक देना है। देखिए हमारा सब्जी जो है वो काफ़ी अच्छा कलरफुल हुआ, तब इसे हम हरी मिर्च